हेलो दोस्तों, हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको बताने वाले हैं सैमसंग की 7kg सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। इस वॉशिंग मशीन में क्या फीचर्स हैं, कितनी वारंटी आती है, कैसे पर्सलेटर के साथ आती है, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे सैमसंग की 7kg सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इस वॉशिंग मशीन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वॉशिंग मशीन आती है 5 ईयर वारंटी के साथ, जो कि होती है वॉश मोटर की। इसमें जो आपको वारंटी मिलेगी, 5 साल तो वॉश मोटर की वारंटी मिलती है, 2 साल इसमें वारंटी आती है कंप्लीट। कंप्लीट वारंटी में क्या होता है, जैसे 2 साल तक इस मशीन में कुछ भी होता है, चाहे वो नोब्स हो, चाहे वो आपकी मोटर हो, चाहे वो पर्सलेटर हो, चाहे वो गेयर बॉक्स हो, 2 साल तक वॉशिंग मशीन में कुछ भी ख़राब होता है तो मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट सही होती है। 2 साल के बाद क्या होता है, जैसे आपने कोई भी सामान इसमें ख़राब होता है वॉश मोटर को छोड़ के, तो क्या होता है, मशीन में कंपनी वाले आते हैं, विजिट चार्ज लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग की 7kg वॉशिंग मशीन, जिसका मॉडल है WT70M3200HL। ये वॉशिंग मशीन आती है 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो जाती है। सैमसंग की वॉशिंग मशीन में जो व्हील आते हैं वो 2 आते हैं, उठा के इसको चलाना पड़ता है। 1-साइडेड 2 व्हील आते हैं। और इसमें बात करते हैं हम पैनल की, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये वाटर सेलेक्टर हो गया आपका। इससे जैसे आपको पानी चाहिए वॉश में, तो वॉश में कर देंगे ऐसे, ये वॉश लिखा है। अगर आपको स्पिन में चाहिए तो आप इसको इधर कर देंगे, तो ये पानी स्पिन में चला जाएगा। जब हम रिंस करने के बाद खंगालते हैं कपड़े, तो वो स्पिन में चला जाएगा। बात करें इसमें वॉश टाइमिंग की, तो वॉश टाइमिंग इसमें है 15 मिनट की। 15 मिनट के लिए आप इसमें वॉश करिए, धोइए। इसके साथ साथ बात करते हैं इसमें वॉश प्रोग्राम। इसमें 3 वॉश प्रोग्राम दे रखे हैं, जेंटल, नॉर्मल और हैवी। इसमें क्या होता है, जैसे आपने जेंटल में केयर वाले कपड़े होते हैं बच्चों के, या जिसमें नग वगैरह होते हैं, इन्हें कम प्रेशर की ज़रूरत होती है, कम घूमने की ज़रूरत होती है, तो वो जेंटल में धुलते हैं। साथ साथ नॉर्मल में हमारे मिक्स कपड़े आ जाते हैं, कॉटन के कपड़े, जैसे भी आप इसमें डालना चाहते हैं इसमें मिक्स कपड़े धुलते हैं। हैवी में आपके जो वॉश होते हैं कपड़े, वो होते हैं कर्टन्स, बेडशीट, जीन्स, वो सब आप इसमें कर्टन्स में धोते हैं। बात करते हैं इसकी थर्ड नॉब की, तो थर्ड नॉब है ड्रेन सेलेक्टर। जैसे आपने गंदा पानी को ड्रेन करना है, तो आप इसको नॉब को राइट से वॉश करेंगे तो ड्रेन हो जाएगा पानी, आपका सारा पानी बाहर निकल जाएगा। बात करते हैं इसमें फोर्थ नॉब की, यह है स्पिन टाइमर। स्पिन टाइमर आपको दिख रहा होगा, इसमें 10 मिनट का दे रखा है। नॉर्मली अगर हम देखते हैं मशीनों में तो 5 मिनट का होता है, अब तो वैसे 10 भी आने लगा, लेकिन आपको सैमसंग की 7kg में भी आपको 10 ईयर का स्पिन टाइम मिल जाएगा, जिससे आपकी जो स्पिन होगा बैटर हो जाएगा, 70 से 80% स्पिन हो जाएगा। बस आपको हल्की सी धूप दिखानी है या हवा दिखानी है, उससे क्या होगा, आपके अच्छे कपड़े सूख जाएंगे। ये तो बात हो गई हमारे पैनल की। अब मैं आपको इसके अंदर का दिखाता हूँ, ये आपका अलग हो जाता है। इसके अंदर जो पल्सलेटर आता है, वो आता है 4 पल्सलेटर के साथ छोटे छोटे। ये क्या करते हैं, कपड़ों के मूवमेंट को इधर से उधर करते हैं। बात करते हैं इसके फिल्टर की। इसमें फिल्टर जो दे रखा होता है, वो दे रखा होता है अंदर से जाली वाला। इसमें क्या होता है, लिंट फिल्ट इकट्ठा होता है, आप निकाल के आराम से धो के खंगाल के फिर से इसमें लगा सकते हैं, जाली वाला लिंट नहीं है इसमें। और ये आपकी दे रखी है स्क्रबिंग के लिए, जब कपड़ा घूमेगा तो ये यहाँ से स्क्रब होगा इससे। ये आपका हमने लगा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका ड्रायर, टर्बो ड्रायर कहते हैं सैमसंग कंपनी के, ये टर्बो ड्रायर के साथ आता है। ये इसकी एसेसरीज है, इनलेट पाइप और ड्रेन पाइप और आपका वो कवर इसके साथ जो आता है, जो इसके ऊपर लगता है। ये आपका ड्रायर आ गया, ड्रायर भी इसका बड़ा दिख रहा है। बात करते हैं इसके मोटर की, कि इसमें कितने वॉट की मोटर होती है। मैं आपको वॉटेज दिखा देता हूँ इसमें। इसमें जो वॉश मोटर की वॉटेज है वो 460 वॉट की है,
और स्पिन की जो दे रखी है वो 160 वॉट की दे रखी है। इसके पीछे देखिए इसमें मॉडल नेम भी लिख रखा है जो मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपको आगे भी अच्छे अच्छे नए नए मॉडल्स की जानकारी देते रहें। थैंक यू।